आत्मबल ही देव बल है। संसार अनेक प्रकार के बलों में आत्मबल सर्वोपरि है। इसकी समता कोई दूसरा बल नहीं कर सकता। यह आत्मबल सत्यता, पवित्रता और दृढ़ता की त्रिवेणी में उत्पन्न होता है। यह त्रिवेणी जिसके अंतःकरण में प्रभावित होती है वह आत्मवान है। आत्मबल का उसी में भंडार समझना चाहिए। आत्मबल का अर्थ है ईश्वरीय बल। इसका अर्थ हुआ परमेश्वर की परिधि में आने वाली समस्त शक्तियाँ और वस्तुओं पर आधिपत्य। आत्मबल उपार्जित व्यक्ति ही शक्ति का अवतार कहा जाता है। मनोगत दुर्भावनाएं और शरीरगत दुष्वृत्तियों को जो जितना परिशोधन करता चला जाता है उसी अनुपात में उसका आत्मबल या आत्मतेज निखरता चला जाता है। इससे उस तेजस्वी आत्मा का ही नहीं समस्त संसार का कल्याण भी हो सकता है। पशुओं में शरीर बल काम करता है किंतु मनुष्य का प्रधान बल उसका मनोबल ही है। शरीर उसका साधारण सा है पर यदि मनोबल पर्याप्त हुआ तो साधारण शरीर होते हुए भी वह महान कार्य संपादन कर सकता है। यह इतना उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पदार्थ मनोबल आखिर है क्या? आइए इस पर विचार करें। मनोबल को शरीर बल या बुद्धि बल नहीं कहा जा सकता क्योंकि देह के दुर्बल होते हुए भी कितने ही व्यक्तियों में भारी मनोबल पाया जाता है। एक महापुरुष का कथन है कि सत्य में हजार हाथियों का बल भरा हुआ होता है पर यह बात अधूरी है। वास्तव में सत्य इतना बलशाली है कि इसकी प्रचंड शक्ति का ठीक ठीक अंदाज करना मनुष्य की कल्पना शक्ति से भी बाहर की बात है। अनुभवी ऋषियों ने भौतिक बल की तुच्छता का और आत्मबल की महत्ता का भली प्रकार अनुभव करने के उपरांत ही कहा था कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। भौतिक बल का धिक्कार है, बल तो वास्तव में ब्रह्म बल ही है। सत्य की अटूट शक्ति के सामने बड़े बड़े शक्तिशालियों को नतमस्तक होना पड़ा है। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, कौरव जैसे बलवानों की अपनी विरोधी बहुत ही स्वल्प साधन वाले के सामने परास्त होना पड़ा है। सत्यमेव जयते नान्यत्यम सूत्र में श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य अधिकार बाह्य जगत में प्रेरणा का सहारा ढूंढता रहता है, देवी देवताओं की मनोती मानता है और एक या अनेक देवताओं को अपना सहायक बना लेता है, फिर भी काम नहीं होता और बाहर से किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है तो निराश होकर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। यह स्थिति बड़ी ही दुखद और चिंताजनक होती है परंतु इस चिंता का कारण मनुष्य स्वयं है। इसी स्थिति क्षण मात्र में बदल सकती है यदि हम स्वयं अपने आप अपने अंदर से प्रेरणा लें। हमारा आत्मविश्वास और आत्मबल ही हमारी आंतरिक प्रेरणा का मूल आधार है। दूसरों को हम में क्या विशेष दिलचस्पी हो सकती है, अतः उनके सहारे ही पड़ा रहना ना समझी और मूर्खता ही है। देवी देवता भी प्रत्यक्ष रूप से किसी की सहायता नहीं करते, वे तो वास्तव में केवल मनुष्य के आत्मा की गाड़ी को हाँकते हैं। अर्थात जो आदमी अपना आत्मबल लगाकर उद्योग करता है वे उसकी शक्ति को उद्दीप्त करते हैं। जो स्वयं अपने रास्ते पर चलता रहता है वह उसकी आत्मा में धैर्य तथा विश्वास का बल भर देते हैं। बैठे हुए आदमी को कंधे पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का व्यवसाय कोई भी देवी देवता नहीं करते हैं। आत्मबल एक ऐसा ही गुण है जो हमारे पुरुषार्थ को जागृत रखता है। यह गुण मुश्किल क्षणों में ऊर्जा का स्रोत साबित होता है। आत्मबल हमें बुराई और विघ्न बाधाओं से बचाता है। कहते हैं कि मरणासन शरीर में भी नवजीवन का संचार कर दे, ऐसी अमृत की बूंद है आत्मबल। आत्मबल जिसका साथी है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता है। हार की निराशा उनके दिलों पर राज नहीं कर पाती है। ऐसे लोग अपने आत्मबल की वजह से ही देश और दुनिया पर राज करते हैं। स्टीफन हॉकिंग जब 4 या 5 वर्ष के थे तो डॉक्टरों ने उनका जीवन बहुत ही छोटा बताया था पर उनके आत्मबल और विज्ञान पर असीम विश्वास ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया। वह लगभग 76 साल जिंदा रहे। हमारा सबसे बड़ा देवता आत्मबल ही है। हमें चाहिए कि उसी को पुकारे। वह उठता है तो मनुष्य की सहायता के लिए परमात्मा
परमात्मा उठ खड़ा होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही संक्षिप्त रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ के सिद्धांत को याद रखो। अपने को निर्बल क्यों समझते हो? जो शरीर ईश्वर की धारणा करता है वह निर्बल कैसे हो सकता है? उसमें अपरंपार बल है, उसको खोज निकालो। अपनी शक्ति और आत्मबल पर पूर्ण विश्वास रखो। नित्य प्रति अपने को आत्म संकेत दिया करो कि मैं बलवान हूँ, दृढ़ संकल्प हूँ, मुझ में असीम बल है, मुझे अवश्य सफलता मिलेगी, मुझे पता है कि मैं विजेता हूँ, मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ, भगवान मेरे साथ हमेशा रहता है। आत्मबल बढ़ाने में सफलता जादू का प्रभाव रखती है। एक सफलता से मुझे दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी के लिए प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार जीवन में सफलता का क्रम चलता रहता है। छोटे छोटे कामों में सफलता प्राप्त कर हम धीरे धीरे अधिक बड़े और कष्ट साध्य कामों में सफलता प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा आत्मबल भी बढ़ता जाता है। यदि कभी जरा सी निराशा की झलक आए या शिथिलता महसूस या मालूम पड़े तो हमें हताश ना होकर अपने ही इष्ट देव या देवी का सहारा ले सकते हैं, परंतु पहले अपने ही पुरुषार्थ पर पूर्ण विश्वास कर आगे बढ़ना होगा। फिर इस बात पर विश्वास कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके प्राण के पीछे आपके इष्ट देवी या देवता भी सहायक हैं। जीवन की गाड़ी के अटकने पर आत्मबल ही सबसे पहला देवता होता है, जो बुलाने पर आकर उसको संकटों के दलदल से निकाल सकता है। उस देवता के खड़े होने पर सारी देव सेना सहायता के लिए आ जाती है, क्योंकि सब देवता एक दूसरे के मित्र होते हैं, परस्पर सहायक होते हैं। वास्तव में सब देव शक्तियों की जननी हमारी आत्मा ही है। आत्मबल ही देव बल है, इसे जागृत कर अपने जीवन को सफल बनाइए। जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। आत्मबल ही सब सुखों का आधार है। जिसमें आत्मबल नहीं है वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रति क्षण अपनी निंदा ही करते दिखाई देते हैं। उनका यह स्वभाव उनके आत्मबल की कमी को दिखाता है। अपने पास बलवान सेना होते हुए भी आत्मबल विहीन योद्धा रण क्षेत्र में विजय नहीं हो सकता है, जबकि आत्मबल का धनी कम सेना होते हुए भी विशाल सेना को नष्ट कर देता है। इसीलिए जीवन की उन्नति के लिए, सफलता के लिए आत्मबल को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। महात्मा गांधी ठिकने और दुर्बल पतले आदमी थे। उनका वजन कुछ 96 पौंड के करीब था, फिर भी वे अपने अपार मनोबल के सहारे उस ब्रिटिश सेना से लड़ पड़े जिसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था और जिसके पास हर किसी को कुचल डालने लायक पर्याप्त शक्ति मौजूद थी। साहस के बल पर लोगों ने बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे किए। असहाय फरहाद अपनी प्रेमिका शीरी की खातिर एक बड़े पर्वत को काटकर लंबी नहर खोद लाने में सफल हुआ था। उसकी पास मात्र एक बल मनोबल ही था। संसार में अगणित ऐसे नर रत्न हैं जिनके अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने साहस के बलबूते पर असंभव दिखने वाले महान कार्यों की ओर अपने कदम बढ़ाए और भारी संघर्ष में उलझते हुए अंत में सफलता के शिखर तक जा पहुँचे। इसके विपरीत सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी अनेक व्यक्ति असफल और हताश रहते देखे जाते हैं। इसका कारण बहुधा उनके मनोबल की दुर्बलता ही होती है। आत्मबल हमें हर बुराई और विघ्न बाधाओं से बचाता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हम सबको हर दम आत्मबल के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। समस्याएं और परेशानियों से कतई घबराना नहीं चाहिए। हम यदि इन समस्याओं पर विजय पा लेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमें आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होगी। धन्यवाद। कर्म से ही भाग्य बनता है। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण के मंदिर के भक्तों ने उनसे भगवान श्री कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार इसके लिए तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मुझे योग्य पात्र चाहिए, अगर वह मिल जाए तो ही मैं चित्र बना पाऊंगा। श्री कृष्ण के चित्र के लिए एक योग्य
नटखट पालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे, तभी मैं चित्र बनाकर दूंगा। श्री कृष्ण मंदिर के भक्त एक बालक को ले आए। बालक सुंदर था, चित्रकार ने उसे पसंद किया और उस बालक को सामने बिठाकर बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति श्री कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता। उसे वो भाव नहीं मिल रहे थे जो उसे चाहिए। वक्त गुजरता गया, आखिरकार थक हार कर सालों बाद वो किसी जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने बिठाकर उसने कंस का एक चित्र बनाया। श्री कृष्ण और कंस की जो तस्वीरें 8 सालों बाद पूर्ण हुई। श्री कृष्ण मंदिर के भक्त उन तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वे तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीरें देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। यह सब देखकर सभी अचंभित हो गए। चित्रकार ने बड़े प्रेम से उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो ही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल श्री कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों की वजह से आज मैं कंस बन गया। इन तस्वीरों में मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कंस हूँ। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं।